तीन साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन आज भी मार्च 2020 में जो दंश लगा था कोरोना का, वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। कोरोना के एक नए वेरिएंट ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को हिलाना शुरू कर दिया है। अगर बात की जाए एक दो महीने पहले की, तो एक दो महीने पहले चाइना में एक बार फिर से नए वेरिएंट ने दस्तक दी और उसके बाद कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली। लेकिन अब ये नया वेरिएंट भारत में भी दस्तक दे चुका है। जी हाँ, इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है केरल में। केरल में पिछले कुछ दिनों में ही करीब 300 से ज्यादा मरीज इस वेरिएंट की जद में आ चुके हैं। इसके साथ ही अगर पूरे देश में बात की जाए तो कोरोना पेशेंटों की संख्या है वह 2600 को पार कर चुकी है। केरल में सबसे ज्यादा ये जो नया वेरिएंट है ये कहर बरपा रहा है। केरल में अब तक 4 मरीजों की कोरोना के नए वेरिएंट से मौत हो चुकी है। कल तक जहां 3 मरीजों की मौत हुई थी, तो वहीं आज एक मरीज ने और दम तोड़ दिया है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में भी अब कोरोना के इस नए वेरिएंट ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। 2 दिन पहले जहां जैसलमेर में 2 कोरोना के मामले सामने आए थे, तो वहीं बीते दिन दौसा, झुंझुनू और भरतपुर में भी एक एक मामला सामने आया है। केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इसके साथ ही चिकित्सा महकमे को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। यदि चिकित्सा विशेषज्ञों की बात की जाए तो ये जो कोरोना का नया वेरिएंट है, इसमें मौतों का आंकड़ा ज्यादा नहीं जाएगा, लेकिन ये तेजी से फैल रहा है। इसके साथ ही कोरोना एक ऐसा वायरस है जो पूरी तरीके से खत्म नहीं हो सकता और समय समय पर ये लोगों को परेशान करता हुआ नजर आएगा। ऐसे में अब कोरोना का जो ये वायरस है वो एक बार फिर से सक्रिय होने लगा है। ये लगातार तेजी से फैल रहा है। देश में 2600 से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं वो अब तक पाए जा चुके हैं, तो वहीं अब अस्पतालों में भी जो मरीजों की संख्या है वह लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में हम हमारे सभी दर्शकों से अपील करते हैं कि किसी भी प्रकार का लक्षण होने पर, खांसी, जुखाम, बुखार, सीने में जकड़न, सांस तेजी से आना या सांस अटकना, ऐसे लक्षण पाए जाने पर तुरंत अपने चिकित्सक से परामर्श करें और अपनी जांच जरूर कराएं, क्योंकि ये जो कोरोना का नया वेरिएंट है इसने चाइना में एक बार फिर से कहर बरपाया है और अब ये दुनिया के अन्य देशों में भी लगातार अपने पैर पसार रहा है। और भारत में भी जिस गति से ये बढ़ रहा है, उससे ये लग रहा है कि आने वाले समय में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ सकती है। ऐसे में सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़। मैं हूं ललित वर्मा।